बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले की एग्जांपल्स की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टू चार्जेस हैं, ये माइनस 10 माइक्रोकूलम, ये प्लस 10 माइक्रोकूलम, और ये एक दूसरे से 5 mm की डिस्टेंस पर हैं। ए बी इज इक्वल टू 5 mm, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ए पार्ट है, एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 cm अवे फ्रॉम इट सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर। यहाँ जैसे हमें फिगर में गिवन है कि एक पी पॉइंट लिया हुआ है जो पॉजिटिव चार्ज की साइड है और वो डायपोल के सेंटर ओ से 15 cm की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब हमको इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ये डायपोल है, और डायपोल के लिए ये जो पी है, ये पी पॉइंट इस डायपोल की एक्सियल लाइन पर है। ठीक है, तो इस डायपोल की वजह से इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका। बच्चों, जैसा कि हमने ये देख लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस डायपोल की लेंथ कितनी है, 5 mm। तो डायपोल की लेंथ को हम क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2a, या फिर 2l भी लिख देते हैं। ये हमें गिवन है यहाँ पर 5 mm। ठीक है, अब ए पार्ट के लिए हमें यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी और एक इस माइनस चार्ज की वजह से। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि किसी डायपोल की एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमको ई एक्सियल फाइंड करना है यहाँ पर, और ये है पी पॉइंट पर फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, के 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्सियल लाइन के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, कि यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट है, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, आर ये डिस्टेंस है, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पर आर गिवन है, ए ये जो डायपोल की लेंथ है 2a उसका हाफ, ये डिस्टेंस ओ से बी तक की डिस्टेंस या ओ से ए तक की डिस्टेंस ये ए हो गई है। ठीक है, तो बच्चों अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आर और ए में क्या ए की वैल्यू बहुत छोटी तो नहीं है कि हम इसको नेगलेक्ट कर दें। तो हम देखें यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2.5 mm होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हियर आर इज इक्वल टू 15 cm एंड ए इज इक्वल टू 2.5 mm। तो इसका मतलब क्या है कि R के रेस्पेक्ट में A की वैल्यू को नेगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, A is very less than R, therefore we neglect A। ठीक है, A को हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब इससे हमें फॉर्मूला क्या मिल जाता है फिर, ये एक्सेल लाइन के लिए ई पी इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम बाद में देख लेंगे, अभी हम पहले बस मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, फिर एंड में हम डायरेक्शन देख लेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि k जो है वो तो कूलम्स कांस्टेंट है, तो हम सारी वैल्यूज़ अब यहाँ पर रख देते हैं। ये जो p है इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं k, और यहाँ पर ये 2 और p की वैल्यू 2aq ऐसे लिख देते हैं, यहाँ ये r क्यूब। k की वैल्यू 9×10⁻¹ × 2, और फिर ये 2a, 2a की वैल्यू कितनी है, 5 mm। हम ये मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 5×10⁻³। q की वैल्यू हमें गिवन है 10 μC, मैग्नीट्यूड लेंगे अभी हम, तो 10 μC मतलब 10×10⁻¹ कूलम, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया है। आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है, ओ से पी तक की ये जो वैल्यू है ये है आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू 15 cm,
और इसको भी हम लिख लेंगे 15 × 10⁻²⁰ मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 15 × 10⁻², यहाँ पर क्यूब आ गया। अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पर हम देखें 5 × 10 और ये 9 ने मल्टीप्लाई हुई, तो ये आ गया यहाँ पर 90 × 10⁹। और पावर्स और देख लेते हैं क्या है, ये 6 और 3 9, ये भी 10⁻⁹ आ जाएगा और यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। यहाँ हम ऐसे ही लिख लेते हैं 15 × 15 × 15 क्यूब है ना, और ये आ गया 10⁻⁶। ठीक है, यहाँ ये पावर्स तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया ऊपर 900, और यहाँ अपॉन में हमारे पास है 15 × 15 × 15, और ये 10⁻⁶ को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये 10⁻+6 हो जाएगा। 15 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया 60। ठीक है, अब ये 15 × 4 = 60, तो अब हमारे पास ये यहाँ पर क्या आ गया ऊपर 4 × 10⁶, और यहाँ अपॉन में 15, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40/15 × 10⁵। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, चाहे अभी हम और 5 से डिवाइड करके तब कर लें, 8/3 ये आ जाएगा × 10⁵। तो इसको डिवाइड किया हमने, तो ये आ गया 2.67 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पर जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर अब हम डायरेक्शन देखते हैं बच्चों। तो प्लस की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया कि ये जो डायरेक्शन है ये ई प्लस चार्ज की वजह से, तो हम प्लस लिख लेते हैं। माइनस की वजह से डायरेक्शन इस साइड होगी, तो इसको हमने लिख लिया ई माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिए। बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पर है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये ई नेट के लिए आ जाएगी डायरेक्शन। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें पता है, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब चार्जेस तो दोनों यहाँ पर सेम है, इसलिए भी ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, और डिस्टेंस प्लस चार्ज से पास में है पी पॉइंट की, इसलिए इसकी वैल्यू ई प्लस की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अलॉन्ग बी पी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज अलोंग बी पी। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये तो हो गया ए पार्ट, अब देखते हैं बच्चों बी पार्ट। बच्चों बी पार्ट के लिए हमें इस डायपोल के सेंटर ओ से ये क्यू पॉइंट गिवन है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमको इस क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू द डायपोल। ठीक है, तो उस पहले हमने एक्सियल लाइन पर फील्ड फाइंड की थी, अब ये हम देख सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल लाइन है। डिस्टेंस यहाँ पर हमें सेम गिवन है, पहले भी आर की वैल्यू 15 थी, अब भी आर की वैल्यू 15 है। डायपोल भी वही है, मीन्स यहाँ पर ये जो लेंथ है ये 5 मिलीमीटर ही है अभी भी, यहाँ 2a की वैल्यू, तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल अपॉन 2। ठीक है, हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेंगे, हम चाहें तो यहाँ पर इक्वेटोरियल वाला फार्मूला अप्लाई करके के पी अपॉन आर क्यूब उससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने जस्ट ई एक्सएल की वैल्यू फाइंड की है, और ई इक्वेटोरियल उसका हाफ होती, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पर ये वैल्यू क्या गिवन है हमें ई एक्सएल की, ई पी पे जो फील्ड है
वो ई पी की वैल्यू है 2.67 × 10⁵। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये जो ई इक्विटोरियल है ये कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इतना इजीली फाइंड कर ली है जस्ट 2 से डिवाइड करके। बच्चों अब डायरेक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट क्यू। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स माइनस चार्ज ये हो जाएगी। ये प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम प्लस चार्ज ये हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस और इसको लिख सकते हैं ई प्लस। ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस चार्ज की वजह से। यहाँ पर चार्जेस दोनों इक्वल हैं और ये डिस्टेंस जो है ये भी इक्वल है। ए से क्यू तक की डिस्टेंस बी से क्यू तक की डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसलिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग बी ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज अलोंग बी ए। बच्चों ये दोनों केसेस में डायरेक्शन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखी, डायरेक्शन अलोंग बी पी। अब बी पी के अलोंग जो डायरेक्शन है इसको हम डायपोल मोमेंट से देखें तो एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसी के अलोंग होती है। मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स पी की डायरेक्शन भी यही होगी। तो हम पी के लिए भी देखेंगे तो यही डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पर किसी पॉइंट के लिए सेम होती है जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। और इक्विटोरियल के लिए क्या होता है, इक्विटोरियल के लिए ये डायरेक्शन पी के अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो इस साइड है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड आ रही है। और पी की डायरेक्शन हम बना देते हैं कि जो पी की डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो पी के अपोजिट है। यहाँ पर भी लिख देती हूँ अलोंग डायपोल मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट पी, तो पी के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी।